music. जो हमारे प्रोजेक्ट करते हैं वो रोबोटिक फोर्स है, जो यहाँ पर हमने इस प्रोजेक्ट को जो बनाने का आइडिया मिला है, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करने की थोड़ी कोशिश की। ये वॉर मेमोरियल काफ़ी जो वॉर मेमोरियल काफ़ी वॉर they belong, the nav connector, the area from which they were connected, the elevation, and the vernacular names can be found over there. So it has actually the practice was first started by the Luca Gini in the University of Pisa in 16th century. Only to give a book, I think, as a Kusuru, as a major tool for the Android. This.
चेंज लाना चाहता था, लड़कियों को मिला के ग्रुप बनाए, जो भी आप डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिस्ट हमारे पेंटिंग बनाने वाले या स्पोर्ट्स पर्सन सब मिला, लाइक वी हैव अ ग्रुप ऑफ 40 to 50 गर्ल्स, सो दिस ऑल आर फैकल्टी ब्लॉक वो भी अच्छी तरीके से मुझे लगा अच्छा प्रोग्रेस है और मैं चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट थोड़ा और इसमें ध्यान बरते और जितनी जल्दी हो सके, ताकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेबॉरटरीज हो जहाँ पे लोग काम कर पाए, स्किल करने के लिए स्किल हॉल्स हो, मल्टीपर्पज हॉल हो, स्पोर्ट्स हॉल हो, तो सब द्रास के बच्चों के लिए हमने अप्रूव किया और हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी बने। जैसा मैं कह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये लद्दाख का सबसे खूबसूरत कॉलेज होगा, लोकेशन आपका द्रास का बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ कॉलेज बन रहा है इट्स ब्यूटीफुल, सो मुझे लग रहा है अगले एक साल दो साल में जब मैं आऊँगी तो इंडिया का हो सकता है बेस्ट। कि पहले मैं स्किल के बारे में अगर बात करूँगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस साल मैं स्किल डिपार्टमेंट भी देख रही हूँ, तो इस साल हम लोगों ने कोलैबोरेट किया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्किल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, कन्वर्जेंस के थ्रू हम लोग स्किल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हर कॉलेज से। द्रास में दो स्किल कोर्सेज सिलेक्ट हुए हैं बच्चों के चॉइस के हिसाब से, आगे हम एक्सपेंड करेंगे क्योंकि हर स्किल को स्टार्ट करने के लिए अलॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, स्किल लैब्स बनने के लिए और इंस्ट्रक्टर्स लाने के लिए, तो इस साल हम द्रास में दो स्किल्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा बच्चों का विल इंट्रोड्यूस मोर स्किल्स, बट एट द सेम टाइम ये स्किल कोर्सेज सिर्फ बच्चों स्टूडेंट्स के लिए नहीं, दिन को यहाँ पे कॉलेज के बच्चों को ट्रेन किया जाएगा स्किल कोर्सेज के लिए और वही स्किल लैब शाम को आम लोगों के लिए। सो मैं चाहूँगी कि हमारे यूथ जो कॉलेजेस में नहीं है, महिलाएं हमारी औरतें जो कॉलेजेस में नहीं है, वो भी शाम को इन स्किल लैब्स में सीखें। अभी माउंटेन एक तो आई थिंक माउंटेन गाइड का स्किल कोर्स था, दूसरा आई नॉट श्योर ग्राफिक डिजाइन है कि पिकल मेकिंग, द्रास इज अ हॉटबेड ऑफ हॉर्टिकल्चर, अभी हमने देखे फ्रूट्स कितने उग रहे हैं यहाँ पे, कितने वेजिटेबल्स उग रहे हैं, तो पिकल मेकिंग और जैम एंड जेली मेकिंग दिस इज वन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इनिशिएटिव दैट वी कैन टेक। ईजीएम कॉलेज में हमने जैम एंड जेली मेकिंग का फूड प्रोसेसिंग स्किल कोर्स इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर बच्चों की डिमांड थी कि पिकल मेकिंग, इस साल पिकल मेकिंग करेंगे एंड इंशाल्लाह अगले साल मशरूम ग्रोइंग का भी हम चाहेंगे कि ये स्किल कोर्स इंट्रोड्यूस। सबसे पहले मैं द्रास के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कॉलेज को बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया हमारे हर एंडेवर में, और जिसका ये नतीजा है कि हम लोग इतना कुछ कर पाए, और ये हमारे कॉलेज का पूरा टीम एफर्ट है। हमारे कॉलेज में बहुत ही यंग, डायनेमिक और बहुत ही काबिल तरीन फैकल्टीज, बहुत ही काबिल तरीन हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ है, जिनके बदौलत से ही हम इस प्रोग्राम को इतने अच्छे से मुनक्कद कर पाए। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैडम कमिश्नर सेक्रेटरी का, जो हमारे इस लद्दाख एजुकेशनल फेयर के ब्रेन चाइल्ड है, तो उन्हीं के ख्यालात और उन्हीं के इमेजिनरी, उन्हीं के मैं कहूँगा कि उन्हीं के ही तसव्वुर को हमने अमली जामा पहनाया इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल फेयर, और जो पिछले साल भी हमने बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाया था, और लेकिन इस साल वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी ने खुद इच्छा जाहिर की कि वो हमारे द्रास के बच्चों के साथ इस साल का लद्दाख एजुकेशनल फेयर मनाएंगे, जो अपने आप में हमारे लिए एक सौगात बन के आया, और उसके साथ साथ उस पे चार चांद लगाया हमारे वर्दी एडिशनल सेक्रेटरी हमारे का इम्तियाज काचो सर ने, जो एक्स रजिस्ट्रार भी हैं, और इन्हीं के सपोर्ट और गाइडेंस से, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में भी कहा कि वर्दी वाइस चांसलर ददेन श्री सी फुनसुख सर हो,
हमारे रजिस्ट्रार सर काचू इम्तियाज़ हो, वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम पद्मा हो, अभी सिटिंग वीसी सर हो, रजिस्ट्रार सर हो, तो इन सब के ताउन से हमारा कॉलेज बहुत अच्छे अच्छा कर रहा है और हम बहुत आगे की तरफ सोच भी रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम डिग्री कॉलेज द्रास को एक ऐसे मकाम पे देखेंगे इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद है कि जहाँ से जो कम से कम नेशनल लेवल पे ना सही लेकिन स्टेट लेवल पे हम लोग अपना एक छाप छोड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर।